नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव, APS क्लासेस कुड़वार। तो आपके सामने काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन रखे गए हैं और जो इन प्रश्नों का आंसर दे कमेंट में जरूर करेगा इसका आंसर, क्योंकि अगर जो BPSC यानी बिहार में नौकरी लेनी है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। और इस तरह का क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार का जो पेपर होता है वो ज़्यादा मुझे लगता है कि टफ नहीं होता है, लेकिन इतना भी इजी भी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर जो भी अभ्यर्थी वो 10th का भी हो सकता हो और जो BSc MSc करके बैठे हैं, BEd करके तैयारी कर रहे हैं BPSC का, वो लोग तो 100% इसका जवाब देंगे। अगर इनका जवाब वो दे पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो आने वाले BPSC TRE 4 में उनकी जगह पक्की होने वाली है। इसका रीजन यही है, मैंने लिखा है आगामी TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये TRE 1 का क्वेश्चन है, TRE 1 का क्वेश्चन है। तो ये 100% मान के चलिए कि जो TRE 1 और TRE 2 का जो क्वेश्चन होगा दोनों का मिलाकर के, वो TRE 4 में कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसके आएंगे साइंस वाले में। साइंस में क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पूछी जानी है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि केमिस्ट्री से है और एक क्वेश्चन बायो से है। तो इसका जवाब आप जो है कमेंट में जरूर करिएगा, हम आपको क्वेश्चन वैसे दिख रहा होगा क्वेश्चन पूरा अच्छे से। तो निम्न में कौन सा अम्ल क्षार संकेतक है, मतलब अम्ल क्षार संकेतक आपको बताना है, जो अम्ल और क्षार की पहचान करवाता हो। इसमें से ऑप्शन आप दिख सब कुछ रहा लेकिन बोल दे रहे हैं, खाने वाला सोडा है, हल्दी है, सिरका है, कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या होगा, यानी कि जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो आपको सबको पता है लवण बनता है, जल बनता है, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, तो अब इसी को समझ करके आप इसमें से ऑप्शन में सही चुनाव करेंगे। 10 और 14 के बीच pH होगा, या फिर 7 से कम pH होगा, या 7 से अधिक pH होगा, या 0 होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि आता तो सबको रहता लेकिन कंफ्यूजन में सबके आंसर गलत हो सकते हैं। इसलिए सोच समझ करके आप अपनी तैयारी को आंक करके ही अपना कमेंट करिएगा। 0 है चौथा ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। प्रायः का मतलब जो मुख्य रूप से सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने देखा होगा पौधों में या कुछ जीवों में, तो पौधों में भी और जीवों में भी दोनों के लिए सबसे प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन के लिए आप किस पदार्थ का उपयोग करते हो, वसा अम्ल का, ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, मतलब तीनों में से कोई दो है, क्या ऐसा कुछ सिस्टम है, क्योंकि BPSC इसी तरह का ऑप्शन बना रहा है भाई। अभी उसमें तो पांच पांच ऑप्शन आते हैं और कंफ्यूज करके रख देता है बिल्कुल। क्वेश्चन इजी रखेगा BPSC, लेकिन 4 विकल्प के स्थान पे 5 विकल्प रख देगा तो आप उसी में खत्म ना, तो आपको खत्म नहीं होना है, TRE 4 में जगह बनानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, आप कमेंट जरूर करेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसी तैयारी के लिए आप लोग अपने चैनल, मेरे इस APS क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आंसर बड़े आसान है, ठीक है, धन्यवाद।